हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति बारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड ऑल चीज़ें। आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बिगिनर्स हो, मेकअप सीख रहे हो, अगर मेकअप में कोई भी डाउट आती है तो ये वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरीके की ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको डे बाई डे आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो होती रहें और आप उनको देख पाएँ, सीख पाएँ पूरी बारीकी के साथ, पूरा स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेकअप करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा मेकअप किस तरीके से ख़राब हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखें अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोइंग बना सकते हो। कल की वीडियो में बताया था मैंने कि मेकअप करते टाइम अपने चेहरे को कैसे रेडी करना चाहिए, मेकअप करने के बाद आपका मेकअप काला क्यों पड़ जाता है और अगर मेकअप करने के बाद आपका मेकअप थोड़ा मोड़ा डल हो जाए तो आप उसको कैसे फ्रेश कर सकते हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जाके वॉच कर लीजिए और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मेरी सारी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है अपने ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हाफ फेस पे मैं बिल्कुल परफेक्ट वे से मेकअप अप्लाई करूंगी और इन हाफ फेस पे मैं इस तरीके से अप्लाई करूंगी जैसा कि हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। तभी मैंने लड्डू गोपाल की पूजा वगैरह की थी तो ये टीका लगाया हुआ था तो इसको रिमूव कर लेते हैं। सीटीएम मैंने अपने फेस का ऑलरेडी कर लिया है, क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा प्राइमर का। तो प्राइमर अप्लाई करेंगे हम लोग एंड देखिए प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है आपकी फेस को, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोइंग बनाने के लिए, आपके मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। तो इस हाफ एरिया पे मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी और इस हाफ एरिया पे नहीं अप्लाई करूँगी, इधर अप्लाई करूँगी इधर नहीं अप्लाई करूँगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला मेरा काफ़ी अच्छा है एरिया, मतलब इस वाले एरिया पर काफ़ी इफेक्ट है, डार्कनेस है, तिल वगैरह स्पॉट्स हैं, बट ये साफ है पूरा। तो इधर विदाउट, मतलब जैसे हम लोग मिस्टेक करते हैं अक्सर, मैंने शादियों में बहुत लोगों का मेकअप देखा है जो कि बहुत अजीब दिखता है, केक ही दिखता है, वाइटनेस आ जाती है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसे मेकअप करते हैं। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस ट्यूटोरियल्स हम लोग लेकर आते हैं आप लोग का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, पार्लर से रिलेटेड ऑल चीज़ें, तो आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हो। इस वाले एरिया पर मैंने प्राइमर को अप्लाई किया है, देन इस एरिया पर मैं नहीं अप्लाई करूँगी। तो जो प्रॉपर सही तरीका है मेकअप करने का वो मैं इस एरिया में बता रही हूँ। स्किन को कैसे रेडी करना है मेकअप करने के लिए उसकी वीडियो आई बटन पे जाके देख लीजिए या फिर जाके चेक कर लीजिए, कल की वीडियो में ही अपलोड किया था मैंने और मेकअप काला भी नहीं पड़ेगा आपका उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर लिया हाफ फेस पर नहीं अप्लाई किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है हमारा फाउंडेशन का। अगर आप नया नया मेकअप कर रहे हो, सीख रहे हो मेकअप करना, तो सेकेंड स्टेप हमको होता है कलर करेक्टिंग का। तो लेकिन आप न्यू हो, बिगिनर हो, अभी मेकअप करना आपको नहीं आता है, आप सीख रहे हो, तो आप ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा, वो कलर करेक्टर का। डायरेक्ट हम लोग लेंगे फाउंडेशन, एक साइड हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, जो जिनको मेकअप नहीं आता है वो लोग क्या करते हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में फाउंडेशन को अपने फेस पर लगा लेते हैं। ओके और इसको ब्लेंड करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ये तो नॉर्मली जैसा मैंने शादियों में अक्सर देखा है लोगों का फेस, उस तरीके से हम ब्लेंड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रेडी होते हैं वो लोग। तो जो भी बहने गर्ल्स इस तरीके से मेकअप करती हैं उनके लिए ये वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उनके पास, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आगे से आप ये गलतियाँ नहीं करोगे क्योंकि मैं इस साइड बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। उसके बाद मैंने कई बार देखा है ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर लेती हैं, उसके बाद उनको लगता है कि थोड़ा कमी है और चाहिए, तो वो लोग क्या करती हैं और फाउंडेशन लिया, डायरेक्ट आईज़ के नीचे अप्लाई कर दिया, नोज़ पे अप्लाई कर दिया, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स लगती है वहाँ पे वो अप्लाई कर लेती हैं।
अब सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे जैसे हमको करना चाहिए मेकअप, अच्छे से ब्लेंड हुआ नहीं हुआ उसका ध्यान नहीं रखते हैं, बट ऐसे कर लिया मेकअप करना है बस, वो कैसा भी दिख रहा हो। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं आता है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपका तरीका और सही तरीका। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद सही तरीका अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एंड अपने फेस को इफेक्ट होने से बचाएंगे, आपका मेकअप ग्लोसी लॉन्ग लास्टिंग एंड खूबसूरत बनाएंगे। मेकअप हम लोग करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाए, हम काफ़ी खूबसूरत दिखें, बट डियर आप लोग जैसे करते हैं उस तरीके से और ज़्यादा बेकार लगता है। तो आप ध्यान दीजिए कि मैं इस तरीके ऐसे कैसे कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत किया या फिर ऑब्वियसली बात है आपने नहीं सीखा तो होगा ही, सबके साथ होता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके तो चलिए दूसरी साइड हम लोग अप्लाई करें, हमने प्राइमर अप्लाई किया था, अब फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना चाहिए। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया जैसे सभी लोग अप्लाई कर लेते हैं, प्रोफेशनल्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल जो जिनको बिल्कुल नहीं आता है शादियों मैंने देखा है उनके उनके लिए बोल रही हूँ। तो हमको फाउंडेशन बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है। इस साइड हमने क्या किया था, फेस को बस गोरा दिखाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था और फाउंडेशन को डायरेक्ट आईज के नीचे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना होता है। और ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी ऐसे अप्लाई नहीं करना, ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना है, एक्स्ट्रा पानी निकालना है, उसके बाद ही आपको अपने फेस पे अप्लाई करना। तो ब्यूटी ब्लेंडर को हमने यहाँ पे गीला कर लिया है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। रब तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, रब करने से क्या होता है आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और आपका मेकअप का वो केकी एंड फटाफटा सा ड्राई दिखाने का मेन रीज़न है कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला नहीं किया है एंड ब्लेंडिंग करते टाइम आपने उसको रब किया है। इस तरीके से आपको करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ओके बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। तो आप देख सकते हो गीले ब्यूटी ब्लेंडर का कमाल, बिल्कुल इजीली स्मूथली ब्लेंड हो रहा है और यहाँ पे हमने प्राइमर यूज किया था जिसकी वजह से हमारा स्किन भी बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, हमारी स्किन और मेकअप के बीच में मेकअप प्रोडक्ट्स के बीच में एक लेयर बन गई है। आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा एक बार फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करनी। इजिली आप हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे ऐसे करते जाओ, आपका मेकअप कब ब्लेंड हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, रब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप इधर देख सकते हो और इधर देख सकते हो, तो बस मुझे और फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंसीलर का है। कई लोग सोचते हैं कंसीलर लगा लो या फाउंडेशन लगा लो एक ही बात है, बिल्कुल भी एक बात नहीं है। कंसीलर का काम बिल्कुल अलग है फाउंडेशन से। फाउंडेशन हमको अक्सर अपने स्किन से मैच होता हुआ लेना है, बिल्कुल मैचिंग, ना लाइट ना डार्क। हम लोग अक्सर गलत फाउंडेशन का चूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप, कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिए, कितने भी अच्छे ब्रांड का यूज कर लीजिए, जब तक आप मेकअप को सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे वो जो आपको लुक चाहिए वो नहीं मिलेगा। फाउंडेशन हमेशा अपनी शेड से मैच होता हुआ लेना है, ना डार्क लेना है ना लाइट लेना है। लेकिन कंसीलर आपको अपने स्किन से एक शेड लाइट लेना है, मैच होता हुआ नहीं लेना है ना ही डार्क लेना है। अगर आप डार्क चीज़ें लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपका मेकअप काला दिखने लगता है या फिर जो ग्लो चाहिए जो फ्रेशनेस चाहिए वो नहीं आता है स्किन में। तो इस तरीके से कंसीलर लिया है मैंने, आप चाहो तो कंसीलर का क्या काम होता है, कंसीलर पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना होता है, हाइलाइट्स पॉइंट पे आपको अप्लाई करना होता है या फिर जहाँ पे आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब इसको ब्लेंड करेंगे, लाइनर वगैरह सब कुछ बता रही हूँ इस वीडियो में, जितना भी हम लोग मिस्टेक करते हैं सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कंसीलर अप्लाई करना है। अब कई केसेस में पता होता है लोगों को कि कंसीलर क्या होता है और कैसे यूज करना है, और वो लोग बस यूज कर लेते हैं फेस को काफ़ी ज़्यादा गोरा दिखाने के लिए इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। लाइट यूज करना है, जितना लाइट प्रोडक्ट यूज करोगे उतना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। और इसको जल्दी जल्दी हमने ब्लेंड भी कर लिया,
ये लैक्मे 9 to 5 का कंसीलर है, बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग टाइम से मैं यूज कर रही थी, बहुत सारी ब्राइड्स पे भी यूज किया है मैंने। नो डाउट कि आपका फेस आपके प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के बजाय गोरा दिख रहा है, लेकिन बहुत भद्दा दिख रहा है। क्यों? तो आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं अप्लाई करना है, गोरा नहीं दिखाना है। आपका जो नेचुरल शेड है उसी शेड में आपको अपने लुक को काफ़ी खूबसूरत दिखाना है। देख सकते हो आप। अब हम लोग मेकअप को सेट करेंगे। सेट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। पहले इस साइड सेट कर रही हूँ, जो गलती हम लोग करते हैं वो देखिए। हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, ऐसे 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 अप्लाई कर दिया। हमने बिल्कुल भी नहीं देखा कि हमारा ये ड्राई होने के बाद या फिर पसीना है हमारे फेस पे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। ओके, अब दूसरी साइड हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को पहले रिमूव कर लेंगे। सॉरी, क्या टूट गया। अब हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पसीने के साथ हमारा पाउडर मिक्स नहीं होगा और मेकअप बाद में केकी नहीं होगा। और ब्रश को हमेशा राउंड शेप में घुमाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ओके, राउंड शेप में घुमाने से क्या होगा, अच्छे से जो हमारा मेकअप बेस है वो स्किन पे सेट हो जाएगा। इधर हमने ऐसे 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 पूरा लगा लिया था, जैसे फेस को दबा रहे हैं, दबाना नहीं है, ब्लेंड करना है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेकअप करने का सही तरीका क्या है और नॉर्मली हम लोग कैसे कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप बेकार हो जाता है। इसके बाद का जो स्टेप है वो है ब्लशर। ब्लशर सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। हमने पहले प्रोडक्ट इस तरीके से लिया, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो ऐसे करने से क्या हुआ, हमारा फेस ज़्यादा रेड हो गया, लेकिन हम जब ब्लशर ले रहे हैं, लिया एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दिया, हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और पहले तो आप स्माइल कीजिए, आपका जो चिक बोन्स है उसी पे आपको ब्लशर अप्लाई करना है। यहाँ से इस तरीके से अप्लाई करना, ब्लशर को थोड़ा सा नोज पे भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइलाइटर का। तो कई केसेस में मैंने देखा हाइलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं, हाइलाइटर उठाया पूरे फेस पे। हाइलाइटर या यूज करने का डियर पॉइंट होता है, पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना होता। ओके, तो आपको थोड़ा सा हाइलाइटर लेना है। अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो इसी ब्रश को इस तरीके से बना लीजिए, हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करना है, देन यहाँ पे, ताकि आपकी नोज जो है वो बिल्कुल साफ दिखे। आपका जो ब्लशर है उसके जस्ट ऊपर आपको हाइलाइटर यूज करना है, नीचे नहीं। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप हल्का सा आइज के नीचे एंड आइज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा आईब्रो फिल करने का। तो कई केसेस में मैंने आईब्रो फिल करने, आईब्रो के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल में डाली हुई है, अगर आपने नहीं दिखा है तो वो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक साइड अपने मेकअप फिक्सर से पूरे मेकअप को फिक्स करेंगे।
और इस साइड हम लोग कुछ मेकअप फिक्सर यूज नहीं कर रहे हैं। ओके आईब्रो फिल करने के लिए बहुत सारी डिटेल वीडियो डाली हुई है प्रॉपर तरीके से कैसे फिल करना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से ब्रश में लेंगे और यहाँ से शेप देंगे। इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन इनर कॉर्नर पे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। अब इसको धीरे धीरे फ्रंट में लेके आएंगे। फ्रंट का जो हिस्सा है हमारा आईब्रो का वो लाइट होना चाहिए। फ्रंट में आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। जो हमारा बैक में प्रोडक्ट था उसी को धीरे धीरे फ्रंट में लेके आएंगे और अप्लाई करेंगे। और मैंने कई लोगों को देखा डायरेक्ट हम लोग वो लोग क्या करती हैं यहीं से कलर को अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और कोई सेप नहीं है। ऐसे ऐसे जैसे आपका आईब्रो है वैसे ही उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे आईब्रो है वैसे अप्लाई नहीं करना है डियर। आपको आईब्रो को एक प्रॉपर शेप देनी है। फिर भी मैंने तो यहाँ पे ढंग से कर दिया है। कई लोगों को मैंने बहुत बेकार तरीके से आईब्रो फील करते हुए देखा है, वो बहुत गंदा लगता है। कभी भी आप आईब्रो फील कर ले रहे हो तो उसके बाद आईब्रो को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके का ब्रश आता है उससे आप ब्लेंड कीजिए, इससे क्या होगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। ओके विदाउट ब्लेंडिंग छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आईलाइनर का। तो पहले मैं बता रही हूँ जो हम लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा ये जो हमारा ऊपर वाला कट लाइन है ऐसे करती हैं वो लोग, नीचे को विंग्स बनाती है। नीचे को क्यों बनाना है भाई, आईज को नीचे क्यों खींच रहे हो, ऊपर को लेके जाते हैं जब भी हम लोग आईलाइनर अप्लाई करते हैं। ऐसे उन्होंने बनाया ओके ऐसे करके छोड़ दिया। लेकिन सही तरीका क्या है, कभी भी यहाँ से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना, नीचे की तरफ नहीं लेके जाना। आपको विंग्स नहीं बनानी है वो आपकी चॉइस है, लेकिन विंग्स को नीचे की तरफ नहीं लेके आना है। और इनर कॉर्नर को क्यों छोड़ते हो भाई, इनर कॉर्नर पे भी पूरा अच्छे से अप्लाई करना। ओके देखिए हमने इसमें ऐसे लाइनर लगा के छोड़ दिया, बहुत भद्दा लग रहा है, ऐसा ना करें। मुझे देख के गुस्सा आता है कोई ऐसे लगा लेता है तो, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, सीखने की जरूरत है बस। इनर कॉर्नर पे भी आपको लाइनर को बिल्कुल अप्लाई करना है अगर आप चाहते हो कि आपका जो लाइनर है वो बहुत खूबसूरत दिखे। तो उसके बाद हमको काजल अप्लाई करना होता है। काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको नीचे वाले लो वाटर लाइन पे भी आईलाइनर ज़रूर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा अगर आपने नीचे में लो वाटर लाइन पे आईलाइनर अप्लाई किया है तो आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं। वो इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। ठीक है आपने अगर मतलब विंग्स नीचे कर दिया है तो ऊपर तो फील कर लो, इस तरीके से फील किया, बट वो लोग इनर कॉर्नर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने तो फिर भी इनर कॉर्नर पे लगा दिया है। लो वाटर लाइन पे भी बिल्कुल ज़रूरी है आईलाइनर को लगाना। अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो लिपस्टिक लगाते टाइम सबसे पहले आपको लिप बाम लगाना होता है। अगर आपने लिप बाम नहीं लगाया तो आपकी लिपस्टिक का जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो आपको लिप बाम लगाना ही लगाना है ओके और अगर लिप बाम नहीं लगाना है तो आपको बुलेट लिपस्टिक मॉइस्चराइज लिपस्टिक यूज कीजिए। लिपस्टिक पे एक अलग से वीडियो डिटेल में डाली हुई है जिसमें अगर आपके होंठ काले हैं तो आपको किस तरीके का लिपस्टिक यूज करना है सब कुछ बताया हुआ है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से
लिपस्टिक अप्लाई कर लेना है, शेप देना है लिपस्टिक का, ऐसे नहीं अप्लाई करना है, हाफ लिप्स पे मैं पहले लिप बाम लगा रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे, लिप्स को एक अच्छा सा शेप देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, बिल्कुल आराम से लगाना होता है। ओके, अब जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इधर लग जाए तो ऐसे आपको कर देना, उसे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है या फिर हाइलाइटर लेना है, वाइट कलर का शेड जो होता है वो वाला, और हाइलाइटर ब्रश लेना है, वाइट कलर वाला आई शेडो हाइलाइटर लेना है। देन इस तरीके से प्रॉपर शेप दे दिए। आप इधर वाला लिपस्टिक देख सकते हो और इधर वाला देख सकते हो। तो दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और भी कोई डाउट रह रहा है कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं पूरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फाइनल लुक देखिए अभी।